लाइट चल रहा है। सर वेट, सर वेट, लाइट चल रही है। समीर सर राइट में आइए ना, समीर सर, सर सर वेट, सर 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 वीडियो के लिए, समीर सर वीडियो के लिए, वीडियो के लिए सर, सर वेट, चेयर सोनू हट, वेट वेट, थैंक यू सर। प्रशांत नाम है, वेट सर वेट, सर वेट, सूरज भाई का नहीं आया दोस्तों, थैंक यू। बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है ट्रेलर का, और वही सोच के आगे बढ़ रहे हैं कि फिल्म को भी अप्रिशिएट किया जाएगा। आपकी जिम्मेदारी तो बढ़ती है ना एज ए डायरेक्टर राइटर, आपको लगता है कि क्या होगा, कैसे पसंद करेंगे, बट वी आर कॉन्फिडेंट इट्स समथिंग गुड दैट वी हैव ऑल वर्क्ड अराउंड द एंटायर टीम। मेरे ख्याल से सबको मिलके, सरकार अकेले नहीं, हम लोग सबको मिल कर के वी हैव टू यू नो टैकल दिस सब्जेक्ट। ये कोई एक इशू, एक व्यक्ति या एक गवर्नेंस की बात नहीं है, हम सबको करना है। और ये बहुत सारी नदियों में, बहुत सारी जगह पे पानी का प्रॉब्लम बहुत गंभीर है। आई एम वेरी हैप्पी, सुपर एक्साइटेड, व्हाट मोर कैन आई से, एंड फिंगर्स क्रॉस्ड for the film. Thank you so much. Thanks, bye. फिल्म ये मैसेज दे रही है कि हमारे कंट्री में जो बड़े पॉलिटिशियंस हैं और केमिकल फैक्ट्रीज के ओनर्स हैं, वो अपने फ़ायदे से ज़्यादा अगर देश के फ़ायदे के बारे में सोचे तो शायद वो भी फ्यूचर में सस्टेन कर पाएंगे और देश भी आगे बढ़ेगा। क्योंकि आने वाले 10-20 सालों में शायद कुछ भी नहीं बचेगा अगर पानी नहीं होगा तो, बिना पानी के हम कुछ भी नहीं कर सकते। And today, in front of you, I want to say, entertainment. Absolute entertainment. I posters बड़े intriguing हैं, और जो theatrical trailer वगैरह देखा है तो काफ़ी curiosity उससे जगी है। And of course, three of my most favorite actors are there, Naseer Bhai, Arshad and Divya. I've worked with all three, so I'm really looking forward to loads of entertainment. ऐसे मरवाओगे ऐसे सवाल पूछ के? मैंने कहा मैं तीनों के साथ काम कर चुका हूँ और तीनों बहुत बहुत ही मतलब बढ़िया एक्टर्स हैं जिनसे आप मैं पर्सनली बहुत कुछ सीखा हूँ। सो
फिल्म देखना चाहता हूँ, आई एम श्योर यू नो इतने अच्छे तगड़े एक्टर्स होंगे तो परफॉर्मेंसेस तो लाजवाब ही होंगे। अभी 7 साल हो गए तो फैमिली जाहिर सी बात है बढ़ेगी, बट वी आर ऑल ऑफ अस आर वेरी एक्साइटेड कि एक तो हम लोग 6-7 साल बाद सब लोग वापस आके काम करेंगे, एंड हैविंग सेड दैट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग विद तब्बू मैम, नील, परिणीति। अभी हम लोग जिस तरीके की मस्ती करते हैं, आई एम श्योर दे आर टू अ सर्टेन एक्सटेंट दे आर गोइंग टू बी सरप्राइज्ड एंड दे विल ऑल्सो जॉइन अस इन द फन। मार्च, थैंक यू। कुठे उभा राहो साहब, कौन पूछ रहा है? आप पूछ रहे हो? हाँ, नर्वसनेस तो नहीं है, एक्साइटमेंट है, और जिस जिसने भी फिल्म देखी है उन्हें बहुत पसंद आ रही है, मेरा रोल पसंद आ रहा है, और बिल्कुल ऐसा रोल नहीं किया है पहले, इट्स वेरी इंटरेस्टिंगली नेगेटिव, सो अच्छा लग रहा है और सेलिब्रेट करेंगे, और दैट्स इट, आई एम हियर टू सेलिब्रेट विद माय टीम। इरादे बड़े नेक हैं अलग अलग तरह के रोल्स करने के, और इस साल मेरी कम से कम 4 फिल्में आएंगी जिनमें बिल्कुल अलग रोल्स होंगे। थैंक यू, थैंक्स थैंक्स थैंक्स। नर्वसनेस तो ऑलवेज होती है जब भी कोई रिलीज होती है, बट वेरी एक्साइटेड एंड अ लॉट ऑफ पीपल हैव सीन इट, सो रिव्यूज हैव बीन रियली रियली नाइस, सो यू नो व्हेन द रिव्यूज आर ऑलरेडी कमिंग अप एंड दे हैव बीन अप्रिशिएटेड, द फिल्म बीन अप्रिशिएटेड, इट्स इवन मोर एक्साइटिंग टू गो वॉच। अभी तो मैं इरादा देखने जा रही हूँ, अभी तो मैं एवरीवन कमिंग टू वॉच द मूवी, सो आई एम श्योर अ लॉट ऑफ पीपल विल बी वॉचिंग। अच्छा, मैंने नहीं देखी। अभी तो आप जाके सब लोग इरादा देखिए और वो फिल्म वो ट्वीट करिए।
I haven't seen the photo, but if they have, I mean, great. Yeah. अभी इरादा यही है कि जाके फिल्म देखनी है और कुछ नहीं. लेकिन मैम आप कुछ शेयर तो करना चाहिए. क्या क्या शेयर करूँ मैं? मैं तो अभी यही शेयर करना चाहूँगी. And I'm standing for the election. Anybody's got any questions? Jaldi bolo, hum upar jane ka hai. मेरे इरादे नेक नहीं, मेरे इरादे फेक है. I don't know what to say. Nice film. देखो यार, अच्छी फिल्म है. एक अच्छा मुद्दा लिया है हम लोगों ने और बड़ी थ्रिलिंग और एंटरटेनिंग और वो क्या कहते हैं, एक्साइटमेंट है फिल्म में, जो मज़ा आता है देखने के लिए. खाली अगर एक टॉपिक पे बात करूँ, किसी एक सोशल टॉपिक पे बात करूँ, थोड़ी बोरिंग हो जाती है फिल्म. तो इसमें एक थ्रिल एलिमेंट डाला है तो मज़ा आएगा फिल्म देखते देखते. और एंड में कहीं पर आपको रियलाइज़ हुआ कि यार कुछ करना चाहिए ये सब चीज़ों के बारे में. थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू गाइस. बोलो ना. हाँ यार, नसीर साहब के साथ ना मेरी अच्छी दोस्ती हो गई है और वो बहुत ही खूबसूरत इंसान है और बहुत ही कमाल के एक्टर हैं. तो कहीं पे उनके साथ काम करने में बड़ा मज़ा आता है और उनके साथ वक्त बिताने में मज़ा आता है. हम लोग दोनों देखा जाए तो क्या कहते हैं, पोल्स अपार्ट हैं, लेकिन फिर भी एक कनेक्शन है. सो आई थिंक आई इन्जॉय वर्किंग विद हिम. सो यस, इसमें भी कहीं पर आपको भले से इश्किया और डेढ़ इश्किया एक अलग किस्म की फिल्म थी, अलग किस्म के किरदार थे, बट यहाँ पर बिल्कुल अलग है. लेकिन वो है, वो मज़ा जो है, वो बात है, वो आपको दिखाई दे. हाँ, मुझे इतनी खुशी हो रही है, मतलब बहुत क्या है ना कि वो ही इज मेंट टू बी ऑन स्क्रीन, यू नो, एंड दैट्स व्हाट संजू इज. ही इज मेंट टू बी ऑन द बिग स्क्रीन एंड वी शुड सी हिम. तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम एंड इंशाल्लाह आई होप दैट फिल्म डज रियली वेल एंड पीपल अगेन लव हिम द वे दे ऑलवेज हैव लव्ड हिम एंड होप हिम बेस्ट. वो हम लोग आएंगे 2018 में. धमाल विल नॉट स्टार्ट, गोलमाल विल स्टार्ट इन मार्च. एडियोस फॉर व्हाट? विजुअल क्या? थैंक यू भारी. बिल्कुल, एक्चुअली समीर जी मेरे बहुत ही करीब के इंसान हैं और उन्होंने कहा कि आना है तुम्हें, तो उनको मैं बिल्कुल ना नहीं कह सकता, तो बस पहुंच गया हूं. पता है कि मतलब उन्होंने जितना बताया कि फ़िल्म बहुत ही प्यार से बनाया गया है और फिल्म बहुत ही नेक इरादे से बनाया गया है. इस फिल्म में एक अच्छी सीख है, अच्छी बात है, ट्रू स्टोरी पर आधारित है ये फिल्म और आजकल बायोपिक्स या ट्रू स्टोरीज़ पर लोग बहुत इन्जॉय कर रहे हैं फिल्में. सो आई एम श्योर कि लोगों को ये फिल्म बहुत पसंद आएगी और जैसी इनकी जो कास्टिंग है, नसीरुद्दीन शाह साहब मेरे फेवरेट एक्टर हैं, ऑल टाइम फेवरेट एक्टर हैं, तो उनकी ये फिल्म है. अरशद वारसी जो कमाल के एक्टर हैं, मेरे दोस्त भी हैं एंड वन ऑफ द मोस्ट वर्सटाइल एक्टर्स ऑफ आर कंट्री. तो बहुत अच्छी कास्ट है, बहुत अच्छा सब ने काम किया होगा. सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ टू.
अरे नहीं नहीं बस बाल लंबे हो गए तो मैं बांध दिया है बस ऐसा कुछ नहीं। नहीं 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 कोई मेरी एक्टिंग से कोई इंटरेस्ट नहीं है। नहीं लोग अलग अलग पैंतरे लगाते हैं, अलग अलग कोशिशें करते हैं कि गाना हिट हो, गाना पसंद आए और पुराने गानों का एक रिकॉल रहता है, उस वजह से शायद वो कर रहे हैं। तो कुछ उनमें से कुछ गाने पॉपुलर हुए हैं, कुछ गाने उस तरह से नहीं पॉपुलर हुए हैं, लेकिन ये एक आइडिया तो अच्छी है। अब आके उनको ही पता है जो कर रहे हैं, मैं तो इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ। क्या बोल रहे हैं इरादा? पहली बात तो I love the trailer. हमारी बहुत खास दोस्त हैं सागरिका का, वी कम इन सपोर्ट ऑफ हर। मुझे बहुत अच्छा वो जो नसीर साहब ने एक लाइन बोली है कि जंगल में सिर्फ एक शेर होता है और शहर में एक खलीफा, बाकी सब होते हैं। सो आई एम अ बिग फैन ऑफ नसीर साहब एंड अरशद एज वेल, आई वर्क विद हिम इन फालतू, ही इज़ अ फिनोमिनल एक्टर। सो टुगेदर दे आर अ ग्रेट पेयर। सो इरादा नेक है, लेट्स गिव देम आवर फुल सपोर्ट। जी पावर प्ले है एक्सेल एंटरटेनमेंट के साथ, रिचा चड्डा हमारी को स्टार है, वो अप्रैल एंड या मई में रिलीज होगा। Well, you know, I've seen the promos of the film and they look absolutely fantastic. And Naseer Bhai is somebody that somebody who is my favorite actor. He's somebody I've always respected, always looked up to. Arshad, of course, is fantastic again. So I'm expecting a cracker of a film. Haan ji, bilkul. Ji, abhi filhal to Malayalam mein release ho rahi hai agle hafte, 24 tarikh ko. और उसके बाद हिंदी में मार्च के एंड के आसपास होगी। ऑलराइट, थैंक यू। आ जाओ ना अपनी। एक्टर काम होता है अपना बेहतरीन दें, आप अपना इरादा पक्का रखें काम के प्रति, वो सबने किया है, बहुत सारे एफर्ट्स डाले हैं, बहुत अच्छी पिक्चर बनी है, बाकी सब जनता के हाथ में, पसंद करेगी। उम्मीद करता हूँ आप सबको हमारा इरादा जरूर पसंद आएगा। नहीं, सबको अप्रिशिएट कर रहे हैं बिकॉज मेरे लिए बहुत बड़ा मौका है, क्योंकि इतने बड़े एक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिला। मैं एक्चुअली फिल्म इंडस्ट्री में बच्चे से हूँ, कुछ हार्डली 3 साल हुए, तो मेरे लिए काफ़ी एक बड़ा मुकाम है एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। और लोग जो रिव्यूज़ आ रहे हैं, लोग काम पसंद कर रहे हैं, अच्छा लिख रहे हैं, तो खुशी की बात है। थोड़ी नर्वसनेस होती है हर एक फिल्म को लेके, हाँ बट काम किया है, पूरी मेहनत की है। नसीर सर के साथ फर्स्ट डे तो बहुत ही घबराहट थी, बट धीरे धीरे बहुत अच्छे हैं वो, तो आसान होगा, घुमा लो बेटा फटाफट। Thank you.
Well, we both have come to watch the film and we're very excited about Sagarika. And all the best to her and hopefully it goes well. I think if you are asking that question, you should ask her yourself. Well, I'm glad she's not dating the vice captain like in Chakde. So I'm sure she's dating the right guy. वो आप वो उनसे ही पूछ लेना चलो बीच में जाते हैं क्यूरियोसिटी है इस फिल्म के बारे में क्योंकि ये मसाला फिल्म तो है नहीं उस तरह की जिसमें ज़्यादातर पब्लिक को इंटरेस्ट होती है तो बहुत खुशी हो रही है और काफ़ी मुझे उम्मीद है कि ये फिल्म अच्छी जाएगी पब्लिक को पसंद आएगी आज कहना कुछ नहीं है एक बात पब्लिक की नज़र में लानी है जो कि कल को जिसकी वजह से हमें भी ख़तरा हो सकता है ग्लोबल वार्मिंग वगैरह के बारे में तो सब जानते हैं लेकिन ये एक ऐसी बात है जिसके बारे में ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है तो हमें लगा कि ये बात बतानी ज़रूरी है थैंक यू हाँ अच्छी बात है जितनी जहाँ तक हमारी फिल्म में जितनी दूर तक पहुँचे उतनी अच्छी बात है थैंक यू सर